वीडियो में आप जिन्हें नल से नहाते देख रहे हैं वो है यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और जिस घर में वो नहा रहे हैं वो घर उनका नहीं बल्कि बरेली के एक दलित परिवार का है। दरअसल सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री बरेली के भड़तौल गांव में एक दलित परिवार के घर में रुके। यहाँ उन्होंने शुक्रवार को रात्रि विश्राम किया, दलित परिवार के साथ ही दाल रोटी चावल खाया और अगले दिन सुबह इसी घर में नल पर स्नान किया। इस दौरान मंत्री के साथ पूरा अमला भी दलित परिवार के घर पर ही रुका। कैबिनेट मंत्री नंदी दलित परिवार के यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद बोले, दाल भात खाकर मजा आ गया। मंत्री ने कहा, घर की सदस्य बूढ़ी अम्मा ने सिलौटे पर चटनी पीसी, उसके साथ आलू मेथी की सब्जी, दाल रोटी, दाल भात खाकर मजा आ गया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले मंडल के जिलों में जाकर वहां सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आम परिवार के बीच रुकने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बरेली मंडल के प्रभारी मंत्री हैं। वो शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर बरेली आए थे। दलित परिवार के घर उन्होंने इसी अभियान की कड़ी में रात्रि विश्राम किया, वो भी आम व्यक्ति की तरह, तो हर कोई उनके इस अंदाज से हैरत में नजर आया। लोगों ने देखा कि वीआईपी कल्चर में रहने वाले मंत्री कैसे आम आदमी के घर पर रह सकते हैं। वही दो दिवसीय बरेली दौरे के दौरान मंत्री ने सरकारी मशीनरी को शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि हमने महिलाओं से संबंधित अपराध पर अंकुश लगे इसे लेकर समीक्षा भी की, उनमें जो गिरफ्तारियां नहीं हुई थी उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने भड़तौल गाँव में रात्रि चौपाल भी लगाई और लोगों की समस्याएं भी सुनी।